आज क्या सीख के आई? बहुत कुछ सीखा आज, पर मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? चलो फिर थोड़ा खा लेते। नहीं, मुझे खेलना। थोड़ा थोड़ा खा लेते। नहीं, मैं खेलने जा रही हूँ। बाय। लो, आज कल के बच्चे। आ गई मेरी मिशा खेल के? हाँ पापा, मैं आ गई। मुझे भूख लगी है। ठीक है, अभी खाना तो नहीं लगाया बिटिया रानी, पर दूध चलेगा? ठीक है, तो ये लो, आ जाओ यहाँ पे। बताओ बच्चों, भारत की राजधानी कौन सी है? हाँ निशा, तुम बताओ। दिल्ली। बहुत अच्छी। चलो बच्चों, अटेंडेंस ले ले। मुस्कान, यस टीचर। शाहीन, बुखार और खांसी है। अरे, मैं मिल सकती हूँ उसे? निशा, टीचर, टीचर, लेटी रहो, लेटी रहो। क्या हो गया तुम्हें? अचानक इतनी बीमार? खांसी, खांसी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाई साहब, कितने दिनों से बीमार है निशा? निशा, दो हफ्तों से बीमार है मैडम। दो हफ्ते? हाँ। आपने कोई दवाई वगैरह कुछ दिया कि नहीं? हल्दी वाला और कफ सिरप तो मैंने उसको दिया था। और डॉक्टर के पास? हाँ मका, कौन डॉक्टर के पास जाता है, खर्चा बढ़ जाता है। नहीं, मुझे लग रहा है कि मिशा को कोई गंभीर बीमारी है। ऐसा करते हैं, हम उसे पास ही के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में ले चलते हैं। ठीक है, तो आप कहती है तो ले जाते हैं। आप कहती है तो बेटिया, हम बात को प्राथमिक आरोग्य केंद्र में चलते हैं, मैडम ने कहा है तो। भाई साहब, आपको पहले ही उसे प्राथमिक आरोग्य केंद्र ले चलना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे तो सारा मुफ्त में होती है। आ
आपकी बेटी को माइकोबैक्टीरियम बोविस का इन्फेक्शन है। मेरा समझाएं। जैसे टीबी कहते हैं, जो कच्चा दूध वगैरह पीने से होती है। दूध पीती है? हाँ। गाय है आपके घर? हाँ। तो उसी से हुआ है इसमें, ठीक है बेटा? कोई डरने की बात नहीं है, दवाई लिख के देता हूँ। 20 दिन तक रोज लेनी है, ठीक है? ये छोटी छोटी गोली मेरा क्या बिगड़ लेगी? आपको भी कहता हूँ, याद करके इसको 30 दिन तक रोज देनी है, भूले बिना, ठीक है? सुबह को। स्कूल कब जाते हो आप? सुबह। तो याद से रोज 30 दिन तक ले लेनी है, ठीक है? सुबह को। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, और आपको 1 महीने के बाद वापस दिखाने आना। मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी? अरे बिल्कुल हो जाएगी, चिंता मत करना बेटा। शुक्रिया सर। 1 महीने बाद वापस। हाँ बिल्कुल। मैंने 2 दिन से दवाई नहीं ली है, फिर भी मुझे बुखार भी नहीं है, खांसी भी नहीं है। मैं देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब मैं खेलने जाऊँ? बेटा खेलने तो नहीं, पर आराम करो थोड़े दिन, अभी दवाई लो। लेकिन मैं दवाई नहीं लू, अब मैं ठीक हूँ तो फिर क्यों लू दवाई? वो भी बात तुम्हारी सही है, तुम्हें अब दवाई लेने की जरूरत नहीं है। पर सुनो सुनो, अभी भी थोड़े दिन तुम्हें आराम करना होगा। तो इस प्रकार दवाई का कोर्स बीच में ही छोड़ देने की वजह से कुछ समय बाद मीशा एक बार फिर इस बीमारी का शिकार बनती है, जिसकी वजह से पूरा कोर्स दोबारा दोहराना पड़ता है। लेकिन इस बार नियमित दवाई लेकर पूरा कोर्स ख़त्म करने के बाद मीशा की इस जानलेवा बीमारी के सामने जीत होती है, और एक बार फिर हमारी चुलबुली मीशा पहले की तरह स्वस्थ हो जाती है।